बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको नोट्स दिख रहे हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी पर बेस्ड नोट्स हैं, काफ़ी डिटेल में हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर को इन शॉर्ट कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक भी होती है और डायनामिक भी होती है। यहाँ इस चैप्टर में हम चार्जेस एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल आपने ऐसे कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई मेटल डोर टच किया आपने, या फिर टैप टच की, तो आपको एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। या फिर जैसे क्लॉथ्स हैं, उनमें आपने स्पार्क देखा होगा, स्पेशली विंटर सीजन में जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं तो उनमें स्पार्किंग होती है। या फिर जैसे लाइटनिंग होती है, तो ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए पहले हम चार्ज समझ लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज। बच्चों, जनरली कोई भी बॉडी है वो न्यूट्रल होती है, और उसके न्यूट्रल होने का मतलब है कि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मीन्स एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब किसी वजह से अगर ऐसा हो कि बॉडी पर या तो प्लस चार्ज ज़्यादा हो जाए या फिर माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी चार्ज्ड बॉडी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है। कोई भी बॉडी अगर चार्ज बॉडी है तो चार्ज टू टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जैसे कि ये हमने बोला कि एक ये न्यूट्रल बॉडी है। अब किसी भी तरीके से इस बॉडी पर अगर हम बोल रहे हैं कि चार्ज आ गया है, तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब कहीं से इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मींस इलेक्ट्रॉन्स तो कम रह गए हैं और प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे। कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी होगी तो पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, नेगेटिव का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। और चार्ज ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करती है। अब ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, ये हम और आगे डिस्कस करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। बच्चों, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक सिंपल एपरेटस है जिसकी हेल्प से चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है जिससे कि हम अपना खुद का इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। गोल्ड लीफ से तो नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल सबके घर में मिल जाती है, उसकी हेल्प से बना सकते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें गोल्ड फॉइल की ऐसे लीव्स लगी हुई होती हैं और एक यहाँ पर कंडक्टिंग वायर से अटैच होती हैं, और ये अरेंजमेंट किसी जार में होता है और ये वायर जार से बाहर जा रहा होता है। तो कोई चार्ज जब इसके पास लाकर इससे टच करते हैं, सपोज कोई हम चार्ज बॉडी लाए, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका चार्ज वायर के थ्रू होते होते इन लीव्स में आ जाता है, और ये लीव्स दोनों ही सेम चार्ज की वजह से रिपेल होती हैं। तो यही है डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, जितना ज़्यादा रिपेल होंगी मतलब ये चार्ज उतना ही स्ट्रांग है। अब है कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी कैसे बनाई जाती है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, हमारे पास थ्री मेथड्स हैं, फ्रिक्शन मेथड, टचिंग मेथड, इंडक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में सिंपल मेथड है, जैसे आप स्केल को ड्राई हेयर से रब करते हैं, कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है ना, तो ये फ्रिक्शन मेथड होता है, रबिंग मेथड। इसमें एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव और कौन सी पर नेगेटिव आएगा, इसमें हेल्प करती है हमें ये ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी टेबल जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। टचिंग मेथड में जब एक चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी से टच की जाती है तो चार्ज न्यूट्रल बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये टचिंग मेथड से किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। इंडक्शन मेथड को बच्चों हम यहाँ पर पोलराइजेशन का फिनोमेना देखते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक कोई चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास हम कोई न्यूट्रल बॉडी ले आए, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है, तो इसका प्लस प्लस इधर आ जाता है, माइनस माइनस इधर आ जाता है। अब ये जो माइनस है ग्राउंड से कनेक्ट करके हम इसको डिसअपीयर कर देते हैं, तो इस बॉडी पर सिर्फ प्लस चार्ज बचता है। अब जब इस पर सिर्फ प्लस चार्ज बचता है तो हम ये बॉडी भी रिमूव कर देते हैं, और इधर से यहाँ ये माइनस चार्ज भी हट गया। अब इस पर सिर्फ ये प्लस बचा, तो ये प्लस चार्ज इक्वली पूरी सरफेस पर आ जाता है। तो इस तरह से
एक बॉडी को हमने इंडक्शन मेथड से चार्ज कर लिया है। तो ये है इंडक्शन मेथड। बच्चों कंडक्टिविटी के बेसिस पर मटेरियल्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, इंसुलेटर जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, आपको अच्छे से पता है। कंडक्टर्स जैसे ज़्यादातर मेटल सभी कंडक्टर्स होती हैं, वाटर या फिर ह्यूमन बॉडी ये सब कंडक्टर होते हैं, ग्लास प्लास्टिक वुड ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। अब आ जाते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिनकी हम बात कर रहे थे ऊपर की हम पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इसमें एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे यहाँ पर हमने कि बॉडी ली हुई है कोई, इस पर अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। कोई इंसुलेटिंग बॉडी है तो उस पर चार्जेस ऐसे रह सकते हैं रेस्ट में। तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इन सारे इंडिविजुअल चार्जेस के अल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। मतलब इस पर क्यू नेट कैसे निकालेंगे हम, इन सबको विद साइन हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो क्यू नेट है वो -1 कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नाम से ही लग रहा है कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि जैसे हमने दो बॉडीज ली हैं और उनको आपस में रब कर दिया, तो एक पर जितना प्लस चार्ज आएगा दूसरे पर उतना ही माइनस चार्ज। बिफोर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग नेट चार्ज जीरो था और इन दोनों पर जो चार्ज आया उसे ऐड कर देंगे तो भी चार्ज जीरो ही रहेगा। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। बच्चों यहाँ एक एग्जांपल से दिखाया हुआ है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन पर भी चार्ज जीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज का सम जीरो आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई एक चीज होगी तो उसके मल्टीपल की फॉर्म में टोटल चार्ज आएगा, और वो अलग अलग वाली चीज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं, तो जो बेसिक एक हम यूनिट लेते हैं चार्ज के लिए कि सबसे छोटी चीज जो ट्रांसफर होती है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ही किसी पर टोटल चार्ज का अमाउंट होगा। तो किसी पर अगर टोटल चार्ज कुछ है तो वो Ne की फॉर्म में होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹. 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी हम Q = Ne से निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू 1 रख दें और इलेक्ट्रॉन की ये 1.6 × 10⁻¹⁹, तो हमको 1 कूलम में 6.25 × 10⁻¹⁸, जिसको राउंड ऑफ करके 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया गया है। ये 6.25 अगर आप डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। कूलम इज वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज, इसलिए हम इसको माइक्रो कूलम या मिली कूलम में लेते हैं। स्टेट कूलम CGS यूनिट होती है, और 1 स्टेट कूलम इक्वल होता है 3.3 × 10⁻¹⁰ कूलम के लगभग। तो CGS यूनिट भी हम इसकी ले लेते हैं क्योंकि ये कूलम तो काफी बड़ी यूनिट हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। बच्चों हमने यहाँ पर क्वांटाइजेशन देखा ना, Q = ±Ne, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके हिसाब से साइन लग जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए है। जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, जैसे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पर फ्रिक्शन हुआ ना, तो उस कंडीशन में जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत बड़े हैं, तो हम ऐसे में जो क्वांटाइजेशन है वो इग्नोर कर देते हैं। मतलब बहुत बड़े लेवल पर जब चार्ज ऐसे ट्रांसफर हो रहा होता है तो हम इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल की फॉर्म में उनको नहीं ले सकते ऐसे, ठीक है ना। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं और हम चार्जेस को ऐसे डिस्क्रीट न मान के कंटिन्यूअस मानते हैं। आगे देखते हैं, अब आ गए हम कूलम्स लॉ पर। बच्चों कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट चार्जेस लिए, अब कैसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर ये चार्ज काफी छोटे हों तो हम इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। हमने यहाँ पर ये Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम कूलम्स लॉ को, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं,
तो ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाता है। ये जो के है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। ये कूलम्स कांस्टेंट है और इस कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं, यहाँ से फॉर्मूले से देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। इस कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 πε₀ ये लेते हैं हम। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसको परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। फ्री स्पेस से ये हमारा मतलब है कि वैक्यूम है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है नियर अबाउट 8.85 × 10⁻¹². और इसकी ऐसा यूनिट, इस के की जो यूनिट है उसका जस्ट रेसिप्रोकल होती है, तो मींस न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस टू और यहाँ कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। परमिटिविटी बच्चों मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स को अफेक्ट करती है। मींस ये चार्जेस जब वैक्यूम में रखे होते हैं तो एक दूसरे पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, लेकिन अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज होता है वो हम अभी आगे और पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं यहाँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पर ये दो पॉइंट चार्जेस लिए हुए हैं, तो हमने पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 Q2। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये चार्जेस हम दोनों तरीके से ले सकते हैं कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो या इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स हो। पहला केस हम ले रहे हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, ये लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव हैं तो बच्चों आप देख रहे हैं ना कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो हमने F12 लिखा है, मीन्स फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो सेम ही है, तो हम इसको R21 और R12 इससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। लेकिन जब ये दोनों डिस्टेंस सेम हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि R12 R21 के इक्वल होगा, जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट है। ये है कि हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं इसको, इधर से हम इधर की तरफ चल रहे हैं या फिर हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, डिस्टेंस तो वही रहेगी, बस डायरेक्शन का फर्क है, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्शन अपोजिट ले लेंगे। तो R12 इज इक्वल टू −R21 और दोनों पर हम वैक्टर लगा लेंगे, ये यूनिट वैक्टर्स लिए हुए हैं हमने इनकी डायरेक्शन। तो ऐसे जब हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे तो F21 के लिए 1/4 πε₀ Q1 Q2, यहाँ R21 लिखा है और यहाँ R21 ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना मतलब सिर्फ हम F21 की डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ F12 में हमने ये R12 लिया है, मीन्स सिर्फ हम F12 की डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं इससे। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं इसलिए ये फोर्सेज भी इक्वल एंड अपोजिट आ जाएंगे। तो कूलम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, एक चार्ज दूसरे पर जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा भी पहले पर उतना ही फोर्स लगाएगा, और चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्शन हो, किसी भी तरीके के हो चार्जेस, फॉर्मूला वही रहेगा, कंडीशन वही रहेगी। हाँ बच्चों, अब हम परमिटिविटी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमने कूलम्स लॉ में परमिटिविटी देखा, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब हम इसको फ्री स्पेस के लिए लेते हैं तो यहाँ हम ऐसे नॉट लगा देते हैं, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो फोर्स को एक तरीके से डिक्रीज कर देती है। तो जब भी कोई दूसरा मीडियम आएगा एयर से अलग, वैक्यूम से अलग, तो मीन्स वहाँ पर फोर्स अब कम हो जाएगी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमने फॉर्मूला लिया है यहाँ पर वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा है उसके लिए, और यहाँ ये सेम फॉर्मूला सेम चार्जेस के लिए लिया है जब किसी मीडियम में है। तो मीडियम में है तो हमने यहाँ पर ये एप्सिलॉन लिख लिया है। अब एफ नॉट और एफ एम का जब हम रेशो लेते हैं तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। और ये रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। इससे पहले हमने के लिखा था कूलम कांस्टेंट के लिए, स्मॉल लेटर के था, ये कैपिटल के है, कैपिटल के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी बच्चों हम यहाँ परमिटिविटी की हेल्प से डिफाइन कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
तो इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक्स बच्चों जस्ट इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करते हैं, और इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेम क्वांटिटी का रेशो है इसलिए इनकी कोई यूनिट नहीं होती। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हम दो ही चार्ज लेते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने बात करी कि F12 या F21 ये फोर्स होगा। लेकिन अगर मल्टीपल चार्जेस हों तो बच्चों ये सब यहाँ आपको देख के ऐसे लग रहा होगा कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं। मल्टीपल चार्जेस के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। तो अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो किसी एक चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स होगा वो सभी के इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसको हम समझ लेते हैं और अच्छे से। जैसे जब हमारे पास दो ही पॉइंट चार्जेस होते हैं, सपोज ये Q1 है ये Q2 है, तो अब Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 1 पर 2 ने फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये अभी हमने देखा कि इस तरह से हम 1-2 या 2-1 निकाल लेते हैं और ये दोनों तो इक्वल ही होते हैं मैग्नीट्यूड में, ये दोनों फोर्सेस इक्वल ही होते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक और यहाँ पर Q3 आ जाए और तब कहा जाए कि अब बताओ 1 पर कितना फोर्स है, तो इस Q3 के आने से Q2 ने जो फोर्स लगाया है Q1 पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q2 जितना फोर्स लगा रहा था पहले उतना ही लगाएगा अब भी, लेकिन अब इस पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। नेट फोर्स अब Q3 की वजह से और Q2 की वजह से, दोनों की वजह से लगेगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो हमने F12 माना, ये क्या हो गया इधर 1-3। तो अब हम 1-2 और 1-3 का रिजल्टेंट निकाल लेंगे वेक्टर मेथड से, तो वो Q1 पे नेट फोर्स आ जाएगा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर मल्टीपल चार्जेस हैं और किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है तो हम इस तरीके से वेक्टर सम लेकर फाइंड कर लेते हैं। तो और जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर वेक्टर सम लिया हुआ है ना, तो ऐसे 1 पर 2 की वजह से 3 की वजह से 4 की वजह से कितना टोटल फोर्स लगेगा, तो ये टोटल फोर्स हम ऐसे निकाल लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। और वेक्टर सम है तो वेक्टर्स के रूल लगाएंगे। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड हमें नाम से ही लग रहा है कि कोई स्पेस लिया जा रहा है, तो किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर ये चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर सकता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट इज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच चार्ज कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फाइंड कैसे करते हैं कि किसी पॉइंट पर, जैसे हमने माना कि ये है चार्ज जिसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे देखेंगे, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होती जाएगी। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई यूनिट चार्ज है तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। ये क्या है, के कूलम कांस्टेंट, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव होती है। बच्चों यहाँ पर कैपिटल क्यू की तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर जब हमें देखना होता है कि यहाँ पर कितनी फील्ड होगी, तो हम टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं, मीन्स जिस चार्ज को हम लाते हैं चेक करने के लिए कि फील्ड कितनी है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये है टेस्ट चार्ज और ये है सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करके दिखाई है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन होती है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स की तरह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। तो पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती चली जाती है, और पॉइंट चार्ज के लिए ये स्फेरिकल होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड देखनी होगी, तो नेट फील्ड हम फिर वही वेक्टर्स रूल लगा के फॉलो करेंगे। सपोज ये क्यू चार्ज है, अब यहाँ हमें किसी पॉइंट पी पर देखना है कि इस चार्ज की वजह से फील्ड कितनी है, तो ये डिस्टेंस आर है, पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर से देख लेंगे कि इस पॉइंट पे कितनी फील्ड है। लेकिन अगर ऐसे ही यहाँ पर और भी चार्जेस हों कि अब यहाँ पर कोई और चार्ज, सपोज ये वन है ये टू आ गया, तो अब ये भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, तो फिर हम पहले की तरह जैसे फोर्स में वैक्टर सम लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी वैक्टर सम लेकर उस पॉइंट पर नेट फील्ड फाइंड कर लेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन अप्लाई कर देंगे। ये है बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जस्ट ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये पढ़कर भी समझ में आ जाएंगे। ये लास्ट एक पॉइंट देख लेते हैं, ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डील्स विद टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। बच्चों चार्ज जब रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जब चार्ज कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करने लगता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और जब चार्ज टाइम के साथ अपनी वेलोसिटी चेंज करता है तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन स्टैटिक कंडीशन, एक नॉन स्टैटिक कंडीशन बच्चों आने वाले चैप्टर्स में, चैप्टर 4 में चैप्टर 6 में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बच्चों हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है कोई तो उससे बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, तो कुछ हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं किसी एक पॉइंट पर, उनको ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, कि ये प्लस से चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज की तरफ जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती हैं। ये क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि प्लस और माइनस तो हमेशा अलग ही होंगे, एक पॉइंट पे तो हो नहीं सकते, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब प्लस से चल के माइनस पे खत्म हो गई तो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी एक चार्ज से निकलने वाली जो भी फील्ड लाइन है कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो फोर्स की डायरेक्शन बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई एक वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी ना, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि ये इंटरसेक्ट करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को। जब हम ऐसे पैरेलल लाइंस बनाते हैं तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जहां पर ऐसे लाइन क्लोजर हैं तो मीन्स वहां स्ट्रांग फील्ड है, जहां पर ये वाइडर है वहां वीक फील्ड है। तो इस तरह लाइन से हम फील्ड को डिनोट करते हैं। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्ज हैं तो इनसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बन रही है। जैसे यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड वीक होती चली जाएगी। कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती फील्ड लाइन, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। डाइलेक्ट्रिक से पास हो सकती हैं ये। इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेज द मॉलिक्यूल्स और एटम इन अ मटेरियल, तो किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये पोलराइजेशन हो जाता है ना, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, इसी को ही पोलराइजेशन बोलते हैं, जो हमने इंडक्शन मेथड में देखा था ना। नेक्स्ट हेडिंग है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द डिस्टेंस एंड इट्स रिलेशन टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। बच्चों हमने कूलम्स लॉ पढ़ा तो उसमें एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा। तो चाहे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं या हम ग्रेविटेशनल फोर्स की या मैग्नेटिक फोर्स की, सब में हम यहाँ आर स्क्वायर लेते हैं, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम यहाँ स्क्वायर लेते हैं, सिर्फ आर क्यों नहीं लेते हैं या क्यूब क्यों नहीं लेते हैं, स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि मान लेते हैं ये कोई चार्ज है उससे ये फील्ड लाइन जा रही है, तो ये किसी एरिया को क्रॉस कर रही है, कि यहाँ पर एरिया देखिए छोटा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन उतनी है, यहाँ पर उतनी ही फील्ड लाइन के लिए एरिया अब बड़ा हो गया है, तो ये वीक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये स्ट्रांग रीजन है। यहाँ हम इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे बच्चों, बस ये देख लेते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर आता है, तो मीन्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस। सेम चार्जेस के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चार्जेस रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को।
अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ ये इस तरह की फील्ड लाइन कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो से है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं फ्लक्स तो मींस किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर से डिफाइन करके बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। यहाँ आप इसका ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये हो गया एरिया। यहाँ पर एरिया को हम एरिया वेक्टर लेते हैं, तो ये आप डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मींस फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा या फिर ई एस कॉस थीटा भी बोल सकते हैं एस एरिया के लिए। अब एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, जैसे ये फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पर कोई एरिया रख दिया हमने इस तरह से, तो इस सरफेस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच में एंगल बन गया है 0 डिग्री। तो जिस टाइम पर एंगल 0 डिग्री होता है, सबसे ज्यादा लाइन पास हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है क्योंकि कॉस 0 1 है। इसी डायग्राम को ऐसे बनाकर दिखा दिया गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो ई एस कॉस थीटा या फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में ई डी एस कॉस थीटा। जब एरिया को इस तरीके से रखा गया है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के 90 डिग्री पर हो, तो कॉस 90 हो जाता है 0, मींस अब कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं होंगी, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने जब हम एरिया वेक्टर ऐसे रखते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लक्स पास होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम ऐसे रखते हैं तो 0 फ्लक्स होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्लक्स की ये एसआई यूनिट है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि हमने देख ही लिया ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों जब दो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इक्वल चार्जेस, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, तो इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इट्स अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये H2O, HCl, ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट निकालते हैं हम। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल की लेंथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज टू द लेंथ ऑफ डायपोल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और डायपोल मोमेंट जिसको पी से डिनोट कर रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। नेट चार्ज इस पर 0 होता है क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन किसी डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती क्योंकि इसकी कुछ डिस्टेंस है। तो इसलिए जब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, सपोज यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस वाले चार्ज की वजह से कुछ और फील्ड होगी, इसकी वजह से कुछ और, तो नेट फील्ड 0 नहीं आती है। बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से फील्ड के डेरिवेशन करेंगे। अभी तक हमने कोई इस चैप्टर में डेरिवेशन नहीं किया है। टोटल 6 डेरिवेशंस हैं, 3 तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन के, 1 टॉर्क का और 2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इस तरह से 6 डेरिवेशंस हैं इस चैप्टर में जो हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हमने अभी इलेक्ट्रिक डायपोल तक पढ़ लिया। बच्चों इन टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। अब हम इन टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ फोर्स दैट गवर्न्स द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस वॉज डिस्कवर्ड बाय। डी ऑप्शन इज करेक्ट, कुलाम। क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर वेरीज। अब आपको इसमें ये पता है कि जो कुलाम्स लॉ है वो 1 अपॉन
आर स्क्वायर, इस तरीके से इसमें फोर्स होता है, मीन्स ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो जब हम इसे ऊपर लाएंगे आर स्क्वायर को, तो ये आर पावर माइनस टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इम्प्लाइज दैट इट हैज, अगर किसी बॉडी पर बच्चों नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि बाहर से उस पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, बिकॉज ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स उससे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो इस तरह से सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक्वायर सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर फोर, टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन, सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3d, पहले कितना है सेपरेशन d, फिर कितना हो गया 3d, द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी, तो अब जो नया फोर्स है वो कितना हो जाएगा वो हमको बताना है। तो बच्चों अभी इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2, यहां हम बोल रहे हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r2, तो इससे f2/f1 को हम क्या लिख सकते हैं, r1/r2, ठीक है। अब r1 ये तो है d गिवन है हमें इसमें, और r2 हो गया 3d, तो 3d का स्क्वायर, यहां पर ये d का स्क्वायर है, तो d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 1/9, 3 का स्क्वायर। तो f2 कितना हो जाएगा 1/9 इंटू f1, और f1 हमको ऑलरेडी 9 दिया हुआ है, तो 9/9 ये क्या आ गया 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कौन सा है इसमें हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ऑफ अ मेटल इज, बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में एक तो हम ये ध्यान रखेंगे कि इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और के की वैल्यू होती है εr/ε0। ये एप्सिलॉन बच्चों ये परमिटिविटी है, ये हमें पता ही है, एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है इट इज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं εr/ε, और आगे ऐसे ही ई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स ये जो के है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में देखें तो E0/E। तो F यहां पर कूलम्ब फोर्स है, F नॉट का मतलब है कि वैक्यूम में फोर्स, और F का मतलब है कि ये यहां किसी मीडियम में फोर्स है। सेम ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ये है वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसी मीडियम में। तो अब यहां इन सब से देखकर हमें ये तो पता चल रहा है कि अगर दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो फोर्स रिड्यूस हो जाती है, कितनी रिड्यूस हो जाती है 1/k टाइम्स हो जाती है, अगर हम ये वाला और ये a को देखें तो, ठीक है। तो किसी भी मीडियम में जो फोर्स है वो 1/k टाइम्स हो जाती है, और डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, पर यहां हमें क्या बोला गया है मेटल्स, तो मेटल्स में तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पूरा चार्ज जो है वो सरफेस पर आ जाता है। तो अब चार्ज सरफेस पर आ जाता है मींस चार्ज अंदर फ्लो कर सकता है, इसलिए जो के की वैल्यू है मेटल के लिए वो क्या होती है इन्फिनिट, ठीक है, इन्फिनिटी ये वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की मेटल्स के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन बाउंड टू द न्यूक्लियस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो ये भी आप ऐसे ही बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब प्लस माइनस चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, द एसआई यूनिट ऑफ के। बच्चों अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि इससे ऊपर जो हमने देखा था वो यहां पर ये था कैपिटल के, और यहां पर ये है स्मॉल के, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्मॉल के ये है कूलम्ब कांस्टेंट। जब हम ऐसे लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ 1/4π0 को हम के भी लिख देते हैं, के q1 q2/r2 इस तरीके से लिख देते हैं ना हम कूलम्ब्स लॉ को। तो अब इसमें इस के की ही एसआई यूनिट पूछी है, तो अब के की एसआई यूनिट निकालने के लिए इसको भी हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, f = k q1 q2/r2। तो यहां से k क्या हो गया f r2/q, और q की यूनिट ये हम q स्क्वायर ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख देती हूँ,
ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पर अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट कूलम, तो ये ऊपर आएगा तो कूलम माइनस यहाँ पर पावर माइनस 2 हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? न्यूटन, मीटर स्क्वायर और ये कूलम पावर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर यूनिट हमें किसकी बतानी है? ये एप्सिलॉन नॉट की बतानी है। तो बच्चों अभी तो हमने यहाँ पर बात की कि ये जो के है ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट होता है। मीन्स इन दोनों को देखें तो क्या है, ये जस्ट रेसिप्रोकल है ना, तो जो के की यूनिट है उसका हम 1/4 कर देंगे तो इसकी परमिटिविटी की यूनिट आ जाएगी। रेसिप्रोकल करके क्या आता है, ये कूलम प्लस में, तो ये हो गया यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 9। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी ई इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ऐसे टू पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, चार्जेस जो है वो क्यू क्यू ही हैं, ये सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन आयंस, इनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है। अब ये जो क्यू है ये चार्ज आया है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के यहां से जाने की वजह से आया है, तो हम मान लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ये एन ई एन ई, ये क्यू की वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, दोनों चार्ज सेम है तो एन ई भी दोनों के लिए ही रहेगा। अब हमको इस एन की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब यहां पर हम क्यू की वैल्यू रख लेते हैं एन ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यहां से हमें एन स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और ये एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इंटू 4 pi epsilon naught और साथ में ये डी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा ई स्क्वायर। बस इसी से ही हम आंसर चेक कर सकते हैं, थोड़ा हम जैसे आंसर गिवन है उनके फॉर्म में लिख लेते हैं कि एन है तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और 4 pi epsilon naught एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट टू गिव अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁷। बच्चों ये हमें क्यू की वैल्यू दी हुई है कि प्लेट पर इतना पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाने पड़ेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स फाइंड क्या करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन फाइंड करना है। तो ये 10 क्वेश्चन तो हम एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई से फाइंड कर लेंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, क्यू की वैल्यू है यहाँ पर 1 × 10⁻⁷, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही होता है 10⁻⁹। ये पॉइंट हटा लेते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, तो 10 × 10⁻⁹, अब ये 19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो -7 + 19, एक जीरो हम यहाँ पर बढ़ाकर हम इसको कर देते हैं, ये है पावर 11। ठीक है, 6.25 × 10⁻¹, ये आ गया आंसर। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये है ए ऑप्शन, 6.25 × 10⁻¹। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ हाइड्रोजन एटम द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 2.5 × 10⁻¹ मीटर। ये हमको डी की वैल्यू दी हुई है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, हमें पता है दोनों पे चार्ज तो सेम ही रहता है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें दी हुई है 2.5 × 10⁻¹ मीटर। इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एफ फाइंड करना है हमको, तो के और ई स्क्वायर कर लेते हैं हम इसको, क्यू वन क्यू टू मीन्स ई स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस जो भी है यहाँ पर उसका स्क्वायर, तो 2.5 × 10⁻¹ इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, और ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, कूलम ये है इसका स्क्वायर अपॉन, अब 2.5 का स्क्वायर करना है तो 2.5
इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, इसको अब हमें सॉल्व करना है। नंबर सारे एक साथ लिख लेते हैं, पावर एक साथ, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 स्क्वायर है ना, इसका पावर ये हो गई यहाँ पर, पहले तो ये वाली पावर 9 और ये पावर माइनस 19 का डबल 2 है ना यहाँ पर, तो 19 ये 2 से मल्टीप्लाई माइनस 38 और ये वाली पावर ऊपर आई तो ये प्लस 22 हो गई, अपॉन में ये 2.5 इंटू 2.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दे रहे हैं इसे, और हम ऐसा करते हैं कि अभी इनकी मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर रहे हैं, वैसे तो ये कैलकुलेशन है आपको जिस तरीके से भी इजी लगती है, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि कैलकुलेशन से आपको नहीं घबराना है, जो प्रॉब्लम आती है ज्यादातर वो बच्चों को कैलकुलेशन में ही आती है कि वो क्वेश्चन बीच में ही ऐसे छोड़ आते हैं, तो बस कैलकुलेशन की आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। अब जैसे यहाँ पर 9 और इधर ये 16 इंटू 16, ठीक है, और यहाँ पर अभी भी पावर और लिख सकते हैं, 38 में से 9 गए तो ये 29 और माइनस 29 और प्लस 22 ये आ गया माइनस 7, अपॉन में 25 इंटू 25। बच्चों हम इनकी भी 25 25 की मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या कर रहे हैं, 4 इंटू 4 से ऊपर मल्टीप्लाई और 4 इंटू 4 से नीचे मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा ये बन जाएंगे हमारे 100 100, तो नीचे हमको कम से कम डिवीजन कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो 9 और ये अब ऊपर हो जाएगा 16 का क्यूब और 10 टू द पावर माइनस 7 और यहां पर हो गया नीचे ये 100 इंटू 100 10 टू द पावर 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो बच्चों आपको पता ही होता है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में 16 की मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई, इधर 10 टू द पावर ये 4 ऊपर आके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस 11 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं 2 6 8 6 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.7 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 के बाद ऐसे पॉइंट लगा दिया तो इसमें हम 4 11 में प्लस कर देंगे, माइनस 11 प्लस 4 क्या आ गया माइनस 7, तो ये आई फोर्स की वैल्यू। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी एक्सर्ट सम फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ दे आर इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 देन फोर्स एक्सर्टेड बाय देम व्हेन ऑल अदर कंडीशंस रिमेन सेम। तो बच्चों यहाँ पर टू चार्ज स्फीयर हैं, डी डिस्टेंस पर वो एक दूसरे से रखे हुए हैं, एफ फोर्स वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं, उनको उठाकर किसी लिक्विड में रख दिया गया है लेकिन डिस्टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं की है, सिर्फ उन्हें उठाया मीडियम चेंज कर दिया है बस, और ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2, तो अब बताना है कि फोर्स कितना हो जाएगा। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिलेशन के साथ कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के वो एफ नॉट अपॉन एफ होता है, तो इससे हमारे पास मीडियम का जो एफ आ गया वो आ गया एफ नॉट अपॉन के, 1/k टाइम्स हो जाती है फोर्स। अब 1/k टाइम्स करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है इसमें, एफ बाय 2, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैविंग पॉजिटिव चार्जेस ईच हैविंग चार्ज क्यू। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला है कि टू चार्जेस हैं, ये है क्यू और ये क्यू, इस तरीके से हैं ये चार्जेस और इनके बिल्कुल सेंटर में जस्ट मिड में रखा हुआ है एक चार्ज ये क्यू इनकी ज्वाइनिंग लाइन पर। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। अब हमें ये बताना है कि अगर ये जो सिस्टम है पूरा ये इक्विलिब्रियम में हो तीनों चार्जेस का, तो इस वाले Q की क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो बच्चों पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम का यहाँ पर क्या मतलब है, बोला है कि यहाँ पे सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो अगर थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि कोई भी एक चार्ज आप उसमें देख लें, एनी चार्ज, उस पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे हम ये वाला चार्ज देख रहे हैं पहले, अब इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगी, हमको ये पता है कि ये जो दोनों सेम क्यू हैं, ये तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये जो एफ क्यू क्यू के बीच में फोर्स लग रहा है ये तो रिपल्शन का ही होगा, सेम है ये चार्ज,
लेकिन अब जब ये रिपल्शन का है तो इसको काउंटर करने के लिए अट्रैक्शन होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ये जो क्यू है और ये वाला क्यू, ठीक है, कैपिटल लेटर क्यू और स्मॉल, इनके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन कब होगा, अट्रैक्शन के लिए इस क्यू को नेगेटिव होना चाहिए, तो ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये हमें पता चल गया। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, इससे पता चला कि ये चार्ज, ये जो कैपिटल क्यू है इस पर नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब ये माइनस होगा। ऐसे ही ये वाला जो चार्ज है इस पर भी नेट फोर्स कब जीरो होगी, जब ये क्यू माइनस होगा मिड वाला। और ये मिड में जो है इस पर भी नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब ये कैपिटल क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इधर ये वाला कैपिटल क्यू इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं फोर्स, तो जीरो हो जाएंगे, तो भी ये एफ नेट जीरो आ जाएगा। तो मींस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स किसी भी चार्ज पर जीरो होनी चाहिए, बाकी दो चार्जेस की वजह से जो लग रही है। फोर्स कौन सी है, एफ क्यू क्यू, और दूसरी ये एफ क्यू क्यू, एक कैपिटल और स्मॉल क्यू, और दोनों यहां पर पेयर कैपिटल क्यू के हैं। तो बस एफ क्यू क्यू इक्वल होना चाहिए एफ ऐसे ये क्यू, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, के और क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखें पूरी डिस्टेंस बच्चों यहां पर ऐसे डी हुई नहीं है, तो हम अपने इजी करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये तो है टू, कितनी है टू है, टू मीटर है, ये जो भी है टू मीटर है, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी वन। हम इसको एक्स एक्स बाय टू भी ले सकते हैं, या हम आर आर बाय टू भी ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे टू ले लिया और उसका हाफ ये वाली डिस्टेंस वन ले ली। तो के क्यू क्यू अपॉन इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये वन का स्क्वायर हो गया, इस साइड के और यहाँ क्यू क्यू और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है टू, तो यहाँ टू का स्क्वायर हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया कैंसिल, तो स्मॉल लेटर क्यू जो है वो कैपिटल क्यू अपॉन फोर के इक्वल आ गया, लेकिन यहां पर हमने देखा था कि साइन कैसा है इसका, माइनस, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन और आना चाहिए, जो कैपिटल क्यू है उससे अपोजिट नेचर का है ये, इसलिए जो साइन है इसमें ये यहां पर माइनस साइन आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो ए ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। नंबर 14 है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन मास इज एम टाइम इज टी ए लेंथ इज एल एंड चार्ज क्यू कैन बी गिवन एज। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन फाइंड करनी है ये 14 में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों जिसमें मास भी आए टाइम भी आए, तो ये हम कौन सा लगा सकते हैं, फोर्स वाला, क्योंकि फोर्स में हमको पता है मास भी आता है टाइम भी आता है, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू हमने यहां पर लगा दिया। अब F की जो यूनिट है वो हमको पता होती है, डायमेंशन पता होती है, क्या होती है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स की डायमेंशन है। अब Q की डायमेंशन इन्होंने क्या बोला, Q ही लिखना है, तो ये अपॉन में यहां पर Q लिखेंगे तो ऊपर आकर वो क्या हो जाएगा, Q माइनस वन पावर इसकी माइनस में आ जाएगी। तो यही करेक्ट ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये एम एल टी माइनस टू क्यू माइनस वन, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया है। नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द ग्लास रॉड एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, बच्चों ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया गया, सपोज ये रॉड है और इसको सिल्क के साथ ऐसे रब कर दिया गया, तो क्या बोला है कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इस सिल्क क्लॉथ पर चले गए होंगे, ठीक है, ये रॉड जो है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले और सिल्क पर चले गए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने चाहिए, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, अ कॉम व्हेन रन थ्रू अ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो एक कॉम को ड्राई हेयर से रब करके बिट्स ऑफ पेपर के पास लाया जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट ही करती है, तो अट्रैक्ट क्यों करती है वो देखते हैं, इसका रीजन क्या है। सपोज कोई एक चार्ज बॉडी है, ये चार्ज रॉड ले ली जिस पर सपोज प्लस प्लस का चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये इसको किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाया गया। अब इस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, जब प्लस को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, माइनस चार्ज इस पे इस साइड आ जाएगा और प्लस चार्ज इस पर इस साइड आ जाएगा। ये तो सबको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लस की तरफ माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा।
अब देखिए फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में, एक फोर्स लग रही है प्लस और प्लस के बीच में। अब प्लस और माइनस के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन प्लस प्लस के बीच में क्या है, रिपल्शन है। तो रिपल्शन वाला डोमिनेट नहीं करेगा, अट्रैक्शन वाला डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम है। तो इसलिए हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है। जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल के पास लाया जाता है तो अट्रैक्शन ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, ये जो इस तरीके से चार्ज डिवाइड हो जाते हैं ना, इनको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो यहां